यस, आज हम अध्ययन करेंगे चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में। तो चंद्रमा जो है एक जो पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसकी उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले मानी गई है। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव के कारण हुई है, जिसे द बिग स्लैट भी कहा जाता है। इसका जो सिद्धांत दिया था डार्विन महोदय ने दिया था सन 1838 के अंदर। ऐसी मान्यता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के कुछ समय बाद ही एक विशाल जो पिंड था वो पृथ्वी से टकराया, जिससे पृथ्वी का एक हिस्सा टूट कर अलग हो गया और अंतरिक्ष में बिखर गया। यही पदार्थ पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और ये चंद्रमा कहलाया। तो अभी अपन ने देखा चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। चंद्रमा की उत्पत्ति के बाद हम देखें अगला जो हमारा जो बिंदु है पृथ्वी का उद्भव और विकास। तो पृथ्वी का उद्भव और जो विकास है लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। प्रारंभ के अंदर हमारी जो पृथ्वी थी ये गर्म थी, निर्जन थी, ग्रह थी ये, और इसका जो वायुमंडल था ये विरल था। इसके अंदर अधिकांश हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसें हैं इससे ये बनी थी। आज की पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत से भिन्नताएं देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर कई घटना घटित हुई कि यहाँ पर घटना घटित होने के बाद ये चट्टानी, निर्जन और गर्म पृथ्वी सुंदर ग्रह के रूप के अंदर परिवर्तित हो गई। और आज से लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ ग्रह पर जीवन का विकास हुआ और हमारी जो पृथ्वी है इसकी जो संरचना हम देखें ये परतदार रूप के अंदर पाई जाती है, जिसे बाहरी भाग में कम घनत्व और आर्थिक भाग के अंदर अधिक घनत्व पाया जाता है। तो आज हमने देखा कि ये पृथ्वी का उद्भव और पृथ्वी का विकास कैसे हुआ इसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई ये हमको मालूम होना चाहिए। कर दो तो?